लोकसभा चुनावों के दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने देहरा के हरपुर में जनसभा को संबोधित किया और राजेंद्र राणा के लिए वोट मांगे। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस की योजनाओं का बखान किया। वीरभद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश का विकास कांग्रेस की देन है। एक जनसभा को संबोधित करते हुए राजेंद्र राणा ने अनुराग ठाकुर पर निशाना साधा। राणा ने कहा क्योंकि पिछले सांसद को विदेशों में घूमने से समय नहीं मिल पाया, इसलिए वह विकास के लिए पूरे धन का इस्तेमाल तक नहीं कर पाए हैं। भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुई उर्मिल ठाकुर ने पार्टी छोड़ने पर सफाई दी है। बकौल उर्मिल भाजपा में उन्हें घुटन हो रही थी। उर्मिल ने धूमल पर निशाना साधा और कहा कि धूमल ने ही साल 2012 में उन्हें चुनाव हरवाया था। भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुई उर्मिल ठाकुर ने आरोप लगाया कि बीते 15 सालों से वह भाजपा में किसी न किसी रूप में प्रताड़ित की जा रही थी। उर्मिल ने धूमल पर निशाना साधते हुए कहा कि धूमल का जनसमर्थन कम हुआ है और एक ओर जहां पिछले चुनावों में धूमल को 80% वोट पड़े थे, वहीं इस बार उन्हें नाम मात्र ही वोट पड़े। हमीरपुर से बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने दावा किया कि यहां से करीब 5000 लोग कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ चुके हैं। अनुराग ने कहा कि जहां भी वे सभाएं कर रहे हैं वहां से 70 से 100 लोग उनकी पार्टी में शामिल हुए हैं और इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मोदी की लहर किस कदर कांग्रेस पर भारी पड़ रही है। अनुराग ठाकुर ने उर्मिल ठाकुर के पार्टी छोड़ने पर कहा कि कुछ लोग गए थे और वापस आ गए हैं और कुछ जो अब गए हैं वो भी जल्द आ जाएंगे। अनुराग ठाकुर ने कहा कि ये चुनाव स्थानीय मुद्दों का चुनाव नहीं बल्कि राष्ट्रीय मुद्दों का चुनाव है और किसे वोट देना है जनता अच्छे से जानती है। शिमला में शांता कुमार ने संजय बारू पीएम मनमोहन सिंह पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम की नाक के नीचे भ्रष्टाचार होता रहा और वह मूक दर्शक बनकर सब कुछ देखते रहे। शांता कुमार ने दावा किया कि लोकसभा चुनावों में बीजेपी अपने दम पर केंद्र में सरकार बनाई। हिमाचल में मंगलवार की शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रमों की बहार रही। मौका था 67वें हिमाचल दिवस का। इस दौरान सूबे के अलग अलग हिस्सों में रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। कुल्लू से लेकर बिलासपुर और सोलन से लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रही। लोकसभा चुनावों में जीत दर्ज करने में सभी सियासी पार्टियां जुट गई हैं। इसी के चलते प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ठाकुर कौल सिंह ने राज्य की कांग्रेस सरकार के 15 महीने के कार्यकाल का बखान किया। वहीं कौल सिंह ठाकुर ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के कांग्रेस का द्वारा ज्यादा कर्ज लेने के बयान को झूठ का पुलिंदा बताया। पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता मेजर विजय सिंह मनकोटिया ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा है कि पिछले 1.5 साल से शाहपुर हलका की व कार्यकर्ताओं की अनदेखी हुई है। उसके लिए मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने आश्वासन दिया कि अब शाहपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की अनदेखी नहीं होगी और हलका के विकास कार्यों में तेजी लाई जाएगी। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।